नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी। मैं हूं आपके साथ आकाश, और आइए नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा की आज की प्रमुख खबरों पर। चीन में विकराल रूप ले चुका कोरोना वायरस से अब पूरी दुनिया डरी हुई है। वहीं इससे बचने के लिए भारत में सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं छिंदवाड़ा के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें लक्षण से संबंधित सभी प्रकार की दवाइयां, आधुनिकीकरण मशीनें और डॉक्टरों की टीम तैयार है। वहीं छिंदवाड़ा जिले में चाइना से कुछ स्टूडेंट पढ़ने आए हैं, जिनकी पूरी जांच कर ली गई है, जिन पर वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए गए। डॉक्टर्स प्रतिदिन उनकी जांच कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में सर ने भी जानकारी दी है और सभी लोगों को एक प्रॉपर एड्रेस हुआ है, जिसके लिए कि बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती है। और आपके माध्यम से भी हम तो ये कह चाह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से भी एक पॉजिटिव एटमोसफियर जाए कि कोई भी सर्दी खांसी का, निमोनिया का या फ्लू का कोई केस जो है कोरोना वायरस नहीं हो सकता, जब तक वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाए। और इस बीमारी का भी सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी मध्य प्रदेश में या छिंदवाड़ा में ऐसा कोई खतरा अभी नहीं है। छिंदवाड़ा रेंज के नवागत डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, नवागत पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने छिंदवाड़ा में अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान एसपी विवेक अग्रवाल ने कानून व्यवस्था के साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने समेत अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। तो वहीं डीआईजी मिथिलेश शुक्ला ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन करवाने की बात कही। वहीं पूर्व पुलिस अधीक्षक मनोज राय को विदाई दी गई। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, साथ ही समय परिस्थिति के हिसाब से जो भी ड्यूटी हमारी आती है, वीआईपी वीवीआईपी भ्रमण होता है, उसमें पूर्ण सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ, जैसा मैं आगमन हुआ है वैसा ही वह अपने यथास्थान पर जाए, हमेशा रहती है। तो मेरा पहला प्रयास तो यही रहेगा कि अभी तक जो बेहतर पुलिसिंग यहाँ पर हो रही है उसको और बेहतर कैसे कर सके, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे, उस पर काम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास आवेदक, शिकायतकर्ता या फरियादी जो भी कह लें, दूरदराज क्षेत्रों से या जो भी थानों में पहुंचे, उसके साथ उचित न्यायपूर्ण कार्यवाही हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो और उसकी शिकायत का निराकरण बहुत अच्छे तरीके से हो, ये मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने गुरुवार को जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व वसूली और राजस्व के तहत होने वाले निर्माण कार्य के संबंध में चर्चा हुई। इस अवसर पर एडीएम राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश सहित जिले के एसडीएम और तहसीलदार राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर्स की निर्माण कार्य की बैठक ली। बैठक में जिले में होने वाले कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी सभा में जल्द से जल्द कार्य करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में महाशिवरात्रि पर्व मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महाशिवरात्रि पर्व को सौहार्द्र, सद्भावना, भाईचारा और शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सांसद प्रतिनिधि जेपी सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह सहित समिति के सदस्यगण और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। अपनी हुंडई कार को दें वो प्यार जो यह डिजर्व करती है। अभिषेक हुंडई पेश करते हैं एक्साइटिंग सर्विस ऑफर्स 14 फरवरी से 18 फरवरी, जहां आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री टॉप ड्राई वॉश, एक्सटीरियर ब्यूटिफिकेशन, इंटीरियर क्लीनिंग और अंडर बॉडी कोटिंग पर पाएं 30% तक का डिस्काउंट, लेबर चार्ज पर 25% तक का डिस्काउंट, हुंडई केयर ऐप यूजर्स के लिए एडिशनल डिस्काउंट और हुंडई ऐप को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर पाएं एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर। तो अब देर न करें, एक्साइटिंग सर्विस ऑफर का लाभ उठाएं। दिनांक 14 फरवरी से 18 फरवरी, स्थान अभिषेक हुंडई, नागपुर रोड, ग्राम सर्रा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडोनेशिया में होने जा रही पावर लिफ्टिंग में छिंदवाड़ा की बेटी अदिति बैरागी का चयन हुआ है। वह भारत की ओर से 63 किलोग्राम वर्ग आयु में प्रेजेंट करेंगी। अदिति बैरागी को वहां प्रदर्शन करने के लिए 1,30,000 रुपए जमा करना है, पर उसके परिवार की आर्थिक तंगी के कारण वह मायूस है। अदिति बैरागी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर के माध्यम से सीएम कमलनाथ से मदद की गुहार लगाई है। 1,30,000 मांगा गया है, तो वो पहले 65,000 देंगे। आपने अभी कहीं इसके लिए आवेदन वगैरह किया है? हाँ, कलेक्टर जी से और कमलनाथ जी से। कब जाना है? 6 मई तो है।
चौड़ा बाबा मंदिर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम की टीम ने गुरुवार को वार्ड 20 पतलेश्वर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे सहायक मंत्री अशोक पांडे ने बताया कि कुछ लोगों ने व्यवधान डालने के प्रयास किए लेकिन अतिक्रमण हटाया गया। वहीं कुछ लोगों ने सहमति से खुद से बड़े हुए अतिक्रमण को हटा लिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल मालवीय ने बताया कि सोनपुर के ग्रामीणों द्वारा अपनी ही जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा हटाकर कब्जा किया गया। अपने कब्जे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, इसी के चलते उन्होंने न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। गरीब मजदूरों ने 2013-14 में जो जमीन खरीदी थी उसकी रजिस्ट्री सहित और पावती के साथ आज उन लोग सब माननीय कलेक्टर को एक ज्ञापन के माध्यम से यह न्याय की मांग करने आए हैं कि जो भूमि के आजू बाजू के लोग हैं या भू माफिया है, उन्होंने उस जगह से इन लोगों का कब्जा हटा किया और अवैध कब्जा किया है। हम माननीय कमलनाथ जी को भी इसकी एक प्रतिलिपि सांसद कार्यालय में और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी देने जा रहे हैं और इन लोगों का शीघ्र अति शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। पीजी कॉलेज में वार्षिक उत्सव करवाने के लिए कॉलेज छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र शिवा सरस्वार ने बताया कि कॉलेज में वार्षिकोत्सव में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के दोनों पक्ष के सम्मानित अतिथियों को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाना चाहिए। यदि कार्यक्रम में किसी एक पक्ष को बुलाते हुए राजनीतिक भेदभाव कर किसी एक पक्ष को बुलाया गया तो राजनीति से जोड़ा जाता है तो छात्र संघ इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। छात्र छात्राओं के पेपर के मद्देनजर रखते हुए वार्षिकोत्सव किसी ऐसे दिन रखा जाए जिससे छात्र छात्राओं को पेपर में कोई दिक्कत ना हो। साल 2019 में उत्कृष्ट विवेचना कार्य के लिए उप निरीक्षक राम भुवन कोल को नायब तहसीलदार दमुआ आशीष उपाध्याय, लायंस क्लब अध्यक्ष रविशंकर साहू, नगर पालिका दमुआ अध्यक्ष सुभाष गुलबांके, उपाध्यक्ष गंगाधर बारस्कर ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सिर्फ ट्रैक्टरों के चलने के लिए बनाई गई सड़क पर धड़ल्ले से चल रहे डंपरों ने सड़क की हालत खराब कर दी है। साल 2017 में करीब 48 लाख से बनाई गई सड़क का रखरखाव 2022 तक के लिए तय है, लेकिन ना तो डंपरों की आवाजाही पर रोक लग रही है और ना ही सड़क पर ही पेंच लगाया जा रहा है। सोनपुर सारसवाड़ा रोड जो कभी जनपद पंचायत छिंदवाड़ा अंतर्गत आती थी आज नगर निगम के अंतर्गत हो चुकी है। नियमानुसार अब भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़क में 40 टन वजन के वाहन नहीं चलने चाहिए, लेकिन अब इमलीखेड़ा से सोनपुर मल्टी, सोनपुर बस्ती होकर निकलने वाले डंपर सड़कों को रौंद कर निकल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।